नमस्कार दोस्तों, सुपर इट फूड में आपका स्वागत है। आज हम उड़द की दाल के दही बड़े बनाएंगे। आज हम आपको दही बड़े बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे बड़े बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। आप खुद देखिए मैं कितने आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम उड़द दाल ली हुई है। इस दाल को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब हम साफ पानी से इस दाल को दो बार धो लेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी दाल मिक्सर के बड़े जार में डालकर दो कटी हुई हरी मिर्च के साथ थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। हमें दाल को बिल्कुल बारीक पीसना है। इस मिश्रण को गाढ़ा ही रखें ताकि बड़े आसानी से उतर जाए। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हम नमक और हरी मिर्च डालकर बची हुई दाल को भी पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमारा मिश्रण तैयार है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच बेसन डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है। इस तरीके से मिनी बड़ों को उतार के तैयार करना है। दोस्तों उड़द दाल के बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। जिस तरीके से हम पकोड़े उतारते हैं उसी तरीके से हम छोटे छोटे इन बड़ों को उतार लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है। दोस्तों इन बड़ों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दोस्तों ये पककर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बड़ों को भी तल लेंगे। दोस्तों उड़द दाल के बड़े बनकर तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या इसे पानी में भिगो कर खाए। यहाँ हमने ठंडा पानी लिया है। इसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे ताकि इसमें हींग का स्वाद आए। दोस्तों अब सारे बड़ों को हम पानी में डाल देंगे। हमें इन बड़ों को 2 से 3 मिनट तक पानी में भिगो कर रखना है। पानी इतना होना चाहिए कि सारे बड़े आसानी से डूब जाए। अब हम इसे अच्छे से भिगो लेंगे ताकि ये बड़े पानी सोख ले। अब बड़ों को निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। दोस्तों अब ये बड़े खाने के लिए तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों आप हमारे रेसिपी को जरूर फॉलो करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें। अब हम इस पर डालेंगे फेटा हुआ दही। दोस्तों आपको जितना दही पसंद है आप उस हिसाब से इस पर दही डाल सकते हैं। हाँ, चाहे तो आप दही में थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं ताकि इसका खट्टा मीठा स्वाद आए। अब मैं इस पर डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। देखिए दोस्तों यह दही बड़े बनकर तैयार है। दिखने में भी सुंदर और खाने में भी स्वादिष्ट। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।